स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेसिक्स ऑफ ऑडिट। पहले देखते हैं ऑडिट क्या होता है। फर्स्ट, ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। इसमें पूरे डेफिनेशन में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, यानी कि ये एक ऐसा बंदा करता है जो विद इन द एंटिटी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। अच्छा, इस इन वर्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की वजह से ऑडिट की जो फीस होती है, ऑडिट फीस, इट कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन परसेंटेज। से मैनेजमेंट ने बोला कि आपको हम 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑडिट फीस देंगे, तो ये एक डिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो जाएगा अगर ऐसा अलाउ किया जाए तो। इसलिए हमें परसेंटेज बेस पे फीस नहीं मिलता, अलाउ नहीं है, एथिकली इट्स इनकरेक्ट। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है इस डेफिनेशन में, कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। हम ये जो एग्जामिनेशन करते हैं, ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, हमें ओपिनियन देना है। हमें ये नहीं बताना कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमें अपना ओपिनियन देना है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। वो आगे देखेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, ऑडिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। CID देखते हैं हम अक्सर, तो वो एक एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेशन का। वहाँ पे पता होता है हमें कुछ गलत हुआ है। CID में जो भी एपिसोड आप देखेंगे उधर पता होता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ऑडिट में हमें ये नहीं पता होता कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं जिनका, उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट मिस्टेक्स है कि नहीं, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट भी सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड ही है। ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड यानी खोजी कुत्ता। साउंड्स वियर्ड बट ये एक्चुअल हिंदी मीनिंग है। जो CID वालों के पास डॉग होता है, ठीक है, उसको ब्लड हाउंड है। और वॉच डॉग मतलब सिर्फ देखेगा कि सब सही है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हम आगे बाद में देखेंगे, पहले ऑडिट एविडेंस देखते हैं। ऑडिट एविडेंस यानी कि सबूत जिसे हम बोलते हैं। ऑडिट एविडेंस मे बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इंफॉर्मेशन यूज्ड, ऑडिट एविडेंस क्या है, इंफॉर्मेशन यूज्ड, ठीक है। क्यों यूज़ करता है ऑडिटर, कंक्लूजन अराइव करने के लिए। कंक्लूजन जो अराइव करता है उसके बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का, ठीक है। हम ऑडिटर है, हमने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा मिस्टर एक्स को कि बताओ बच्चा एज ऑन 31 मार्च क्या लोन का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है, जो कि हम जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसके बुक्स में दिख रहा था 5 लाख। तो मिस्टर ए रिप्लाई देता है, हाँ भाई 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च। तो ये जो रिप्लाई आया वो है इन्फॉर्मेशन यूज्ड। ऑडिटर ने कंक्लूजन क्या निकाला कि बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इज मैचिंग, ठीक है। उसके बेस पे हमारा ओपिनियन क्या निकलेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लाख मैच नहीं होता था तो कंक्लूजन निकलता था कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उनके उसके पीछे जो भी होता है, जनरल एंट्रीज हो, लेजर्स हो, या जनरल एंट्रीज पास करने के लिए जो इन्वॉइसेस हो, वो सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिटर्न कन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, सिंपल है। आगे, ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। जो हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए, एक तो सफिशिएंट और दूसरा अप्रोप्रिएट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी टर्म्स में कितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस हमें कलेक्ट करना है, और अप्रोप्रिएट मतलब
क्वालिटी टर्म्स में? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है कि ऑडिट एविडेंस कितना ज़्यादा रिलायबल है। कि हमने देखा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी टर्म्स में, अप्रोप्रिएट क्वालिटी टर्म्स में। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है कि हमें कितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, वो अफेक्ट होता है तीन फैक्टर्स से। एक एक करके देखते हैं। पहला मटीरियलिटी, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये जो है फॉर द टाइमिंग पार्क कर लेते हैं, बाद में फिर से देखेंगे, क्योंकि असर्शंस हमने अभी तक समझा नहीं असर्शन क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर फिर से आएंगे। दूसरा फैक्टर देखते हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। ये रिस्क है कि मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। सिंपल मीनिंग में बोले कि तो रिस्क कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है, अगर ये रिस्क ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करना है, अगर ये रिस्क कम है तो हमें कम एविडेंस इकट्ठा करना है। ये रिस्क दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क अनअवॉइडेबल रिस्क होता है, आप कितने भी कंट्रोल्स लगा लो, ये यू कैन नॉट अवॉइड इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। और कंट्रोल रिस्क क्या होता है? फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल तो आपने लगा दिए बट वो कंट्रोल अपना काम नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अगर लो आरएमएम है तो लेस एविडेंस, हाई आरएमएम मोर एविडेंस। थर्ड फैक्टर है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज छोटा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन मतलब कितने ज़्यादा एंट्रीज है आपको ऑडिट जो करते हैं, सेल्स में 1 लाख एंट्रीज है तो हमें उतना ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करना है। क्वांटिटी टर्म्स में ये बात कर रहा है। अगर स्मॉलर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, से एंट्रीज 10 है तो हमें लेस एविडेंस, यानी 10 एंट्रीज का ही एविडेंस इकट्ठा करना है, क्वांटिटी टर्म्स में लेस एविडेंस। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस पॉपुलेशन, अगर जो एंट्रीज है वो रेपिटेटिव नेचर की है तो उसको हम होमोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं, उस केस में हमें लेस एविडेंस इकट्ठा करना है। ये फर्स्ट केस में होमोजीनियस पॉपुलेशन के केस में हमें सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि नॉन रिपीटेटिव टाइप के एंट्रीज होते हैं, जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमें ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करना है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, दो कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और ABC। XYZ प्राइवेट लिमिटेड में भी 100 एंट्रीज है सेल्स की और ABC में भी। XYZ में 100 की 100 एंट्रीज सेल्स की जो है 10 रुपीज़ पे सेल है, सेम डिस्काउंट अमाउंट है, यानी कि फिक्स्ड है, 1000 से ज़्यादा परचेज किया तो इतना डिस्काउंट वगैरह। और दूसरा जो है ABC लिमिटेड, उसमें हर एक सेल अलग अमाउंट पे है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, डिस्काउंट का रेट अलग है, तो हमें ये जो है ABC प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे हमें ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमें सिमिलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिलता है यानी कि रिपीटेटिव नेचर का, वहाँ पे हमें लेस एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिलेवेंस और एक रिलायबल। रेलेवेंस का एग्जांपल लेते हैं, मेरा जो आर्टिकल है उसको मैंने बोला जा बेटा जो हमारा ए प्राइवेट लिमिटेड ऑडिटी है उसका क्लोजिंग स्टॉक मुझे ठीक नहीं लग रहा, जाके उसका वैल्यूएशन चेक कर गया। गया वो एक घंटे में वापस आया, बोलता है बराबर है। मैं बोला क्या वर्किंग पेपर्स दिखा, कैसे बराबर है? बोलता है मैं देख के आया, जितना बुक्स में क्वांटिटी दिख रहा है उतना ही क्वांटिटी है, वैसे ही कंडीशन में है इन्वेंट्री। बोला भाई ये तो क्या चेक करके आया,
ये जो तू करके आ उससे तू प्रूव करता है कि तू फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल में है, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला, वैल्यूएशन चेक करने के लिए कि AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यू है कि नहीं, और वो बंदा जाके एग्जिस्टेंस, यहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्टेंस आना चाहिए, वो बंदा जाके एग्जिस्टेंस चेक करके आया कि इन्वेंट्री एक्चुअली एग्जिस्ट जो बुक्स में दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्लियर हो जाएगा इससे लास्ट दो लाइन, अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो वो करके आया मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस दैट आर रिलेवेंट टू सर्टन असर्शन, यानी कि एग्जिस्टेंस के रिलेटेड बट नॉट अदर्स, यानी कि वैल्यूएशन के रिलेटेड ऑडिट एविडेंस नहीं मिला हमें, किसके रिलेटेड ऑडिट एविडेंस मिला, एग्जिस्टेंस के रिलेटेड, ठीक है। और इसका ही दूसरा एग्जाम्पल जो है इंस्टीट्यूट का, वो आप रीड कर सकते हैं खुद ही। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस का सेकेंड पार्ट है रिलायबल, ऑडिट एविडेंस रिलायबल है कि नहीं इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस। एग्जाम्पल डिपेंडेंट सोर्स से लिया है कि इंडिपेंडेंट सोर्स से। ये चार्ट है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीजेज व्हेन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, इनडायरेक्टली ऑब्टेन हुआ तो उसका रिलायबिलिटी कम होगा, डायरेक्टली ऑब्टेन हुआ तो ज़्यादा, ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ओरल फॉर्म में हुआ तो कम होगा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हुआ तो ज़्यादा, प्रोवाइडेड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स में हुआ तो कम रिलायबल होगा।